नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। बिहार की सियासी फिजा में अब भी बदलाव की बयार जो है वो बह रही है। भले ही महागठबंधन की सरकार बने हुए बिहार में एक महीना ही हुआ है, इस एक महीने में बिहार में क्या क्या नहीं हो रहा है। हर दिन सियासत में नए नए डेवलपमेंट जो है वो होते हैं। फिर ऐसा लगता है कि क्या फिर से बिहार की सियासत बदल जाएगी या और भी करवट जो है वो लेना बाकी है। ये मुलाकात करना महज एक साधारण मुलाकात करना नहीं था, महज ये चाय पार्टी या भूंजा पार्टी वाली ये मुलाकात नहीं थी। मुलाकात बहुत अहम थी और इस मुलाकात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इस मुलाकात का मजमून ये रहा कि क्यों प्रशांत किशोर सीएम नीतीश कुमार से मिलने गए। क्या प्रशांत किशोर को किसी ने कहा मिलने के लिए या डायरेक्ट कॉल आया सीएम हाउस से कि आप आइए मुलाकात कीजिए। तो मेरे सोर्सेस बता रहे हैं कि एक शख्स जो हैं वो एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने पुल का काम किया है सीएम नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच में, और उसी शख्स ने मुलाकात करवाई है प्रशांत किशोर और सीएम नीतीश कुमार के। आपको जानकारी होगा, अगर नहीं होगा तो फिर भी हम आपको दे देते हैं कि आगामी 2 अक्टूबर से प्रशांत किशोर जो है वो बिहार में यात्रा निकालने वाले थे। इस यात्रा की तैयारी वो अरसे से बिहार में अभी से ही कर रहे हैं। हर जिले घूमते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, युवाओं से बात करते हैं, युवाओं से संवाद करते हैं और जो भी क्या कुछ होना चाहिए बिहार के डेवलपमेंट को लेकर, कहाँ कमी रह जा रही है, इन तमाम चीज़ों को लेकर वो फीडबैक लेते हैं और यात्रा जो है उनकी जारी है। बिहार में उन्होंने एक अच्छी खासी टीम बना के रखी है। ऑन फील्ड भी टीम काम करती है और ऑफ द फील्ड यानी कहें कि ऑफिस वर्क भी वो टीम कर रही है, और फीडबैक जो है वो लगातार प्रशांत किशोर कर रहे हैं। जब प्रशांत किशोर ने ऐलान किया था कि वो पॉलिटिक्स में एंट्री करेंगे तो उनके बयानात आपको याद होंगे कि ऐसा लग रहा था कि प्रशांत किशोर ये कह रहे हों कि वो दिल से पॉलिटिक्स करने के लिए आए हैं, वो असल मायने में बिहार को सुधारने के लिए पॉलिटिक्स में आए हैं। और उनकी पॉलिटिक्स का एक तरह से कह सकते हैं कि सेंटर पॉइंट थे सीएम नीतीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार का वो लगातार विरोध कर रहे थे, यहाँ तक कि आपका हालिया बयान आपको याद होगा, सीएम नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया था। फेविकॉल की एक कुर्सी थी जिस पर सीएम नीतीश कुमार बैठे हुए थे और उन्होंने कहा था कि बिहार में किसी की भी सरकार रहे, किसी का भी गठबंधन का सरकार रहे, लेकिन मुखिया जो है वो नीतीश कुमार रहते हैं। फेविकॉल वालों को चाहिए कि नीतीश कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बना दें। इस तरीके के जो बयान है, तीखे बयान सीएम नीतीश कुमार के लिए वो प्रशांत किशोर जो है वो लगातार देते रहते हैं। और एक बयान उन्होंने करीब 2-3 महीने पहले दिया था, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार इंजीनियर हैं लेकिन उनको लगता है कि बिहार में क्या हो रहा है सिर्फ उन्हीं को पता है, किसी और को नहीं पता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि धूर विरोधी नीतीश कुमार के माने जाते हैं, लगातार उनका विरोध कर रहे थे, तीखे हमले ट्वीट के माध्यम से बयान के माध्यम से दे रहे थे, और जो पूरे बिहार भर में जहाँ भी जाते थे संवाद भी करते थे उसका मजमून भी यही था कि वो सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सेंटर पॉइंट सीएम नीतीश कुमार थे लेकिन पूरा का पूरा जो गेम प्लान था, सियासी गेम प्लान था, प्रशांत किशोर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ रच रहे थे, वो बंटाधार हो गया। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजनीति जो है ना वो परसेप्शन का खेल है, यानी कि अवधारणा का खेल है। अब ऐसा नहीं होता कि जिसके खिलाफ आप सियासत कर रहे हैं, जिसको आप सेंटर पॉइंट या कहें कि सियासी तौर पर टारगेट बनाकर आप चल रहे हैं, उसके खिलाफ आप पूरे जिले भर में माहौल बना रहे हैं और अचानक एक ऐसी खबर आती है कि आप रात में उन्हीं से मिल लेते हैं, तो इस तरह की पॉलिटिक्स जो है वो नहीं होती, अमूमन देखने को नहीं मिलती है, और अगर हो भी तो वो एक तरह से हिट पॉलिटिक्स नहीं की जाती है। तो सवाल यह है कि अब क्योंकि प्रशांत किशोर आगामी 2 अक्टूबर को यात्रा निकालने वाले हैं, जन स्वराज यात्रा, अब सवाल यह है कि क्या अब इस यात्रा में वो धार रहेगी, क्या इस यात्रा को लेकर जो लोगों में एक परसेप्शन था वो अब बदलेगा, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार से वो मुलाकात कर लेते हैं और ट्विटर पर प्रशांत किशोर खारिज भी करते हैं कि मैंने मुलाकात नहीं की। वो तो बिहार के मुख्यमंत्री आज कल उन्होंने बयान दिया कि हाँ मेरी मुलाकात होती है, संबंध
व्यक्तिगत संबंध है इसलिए मुलाकात हुई। तो कुल मिला कहें कि प्रशांत किशोर को किसने सेट किया? देखिए आपको बता दें कि हाल ही में पवन वर्मा ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी और पवन वर्मा ने सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी। तो सूत्र बता रहे हैं कि पवन वर्मा ने ही दोनों को मिलवाया है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों मिलवाया है? क्या प्रशांत किशोर जेडीयू में आएंगे? क्या प्रशांत किशोर जिस मुहिम को लेकर चल रहे थे पूरे बिहार में, उन्हें यात्रा करना है, जन स्वराज यात्रा नाम दिया गया और लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं, क्या उस मुहिम को फीका करने के लिए ये चाल चली गई, ये सियासी चाल चली गई? बड़ा सवाल यह है, लेकिन बहरहाल हो सो भी, लेकिन इतना तो तय है कि प्रशांत किशोर को सेट तो किया ही गया है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।